स्थानीय ब्राइट माइंड्स पब्लिक स्कूल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने चयनित विद्यार्थियों को गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन किया। विद्यालय की प्राचार्य पूनम बियानी ने बताया कि सत्र 2021-22 के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में इस विद्यालय की छात्रा नेहा बाटू व छात्र मोहित बैदा का चयन हुआ है। As you all know, two of our students, Neha Batu and Mohit Beda of class 7 have been selected for Inspire Award. They are going to represent our school in the district level now and after some time if they are selected again they are going to be कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि विद्यार्थी अपने भीतर जिज्ञासा पैदा करें। जब भीतर सवाल पैदा हो जाएंगे तो अपने आप सीखने की प्रक्रिया तेज होती जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही अपने भीतर वैज्ञानिक व तार्किक सोच को विकसित करें और यह मानकर चलें कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है जिसे हम चाहें तो समझ सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस उम्र में जो भी सोच लें वह काम कर सकते हैं, इसलिए अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसको साकार करने के लिए काम करें। सफलता हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो अवार्ड है ये विज्ञान से संबंधित जो नवाचार होते हैं उनके लिए इनको दिया जाता है। पूरी दुनिया जो चल रही है उसमें जो भी काम होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसका कोई लॉजिक होता है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि उस कारण को जानने की हमें इच्छा हो, उस कारण को हम समझें और जो हम समझेंगे उसी से हमारी चेतना का हमारे ज्ञान का विकास हो। नहीं समझा पाता है उसके पीछे फिर इस तरह की चीज़ें काम में शुरू हो जाती है, उसकी हम कहते हैं कि तो किसी देवीय शक्ति का प्रकोप है या किसी की कोई ना कोई अंधविश्वास शुरू हो जाता है। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उसका कारण समझ सकें। आपको फिलहाल आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन में अपना एक लक्ष्य तय करें हमें क्या बनना है क्या करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने या टीचर बने या आईएएस बने, कुछ भी बने, आपका जो मन करे वो बनने के लिए आप तय करें और उस दिशा में आप आगे बढ़ें। और वैज्ञानिक सोच हमेशा हमेशा दिमाग में आपको एक सवाल पैदा होना चाहिए, कुछ भी देख के आपके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए। वो सवाल जो है आपको एक सफल व्यक्ति बना देगा, सफल मनुष्य बना देगा। वो सवाल ये होना चाहिए कि ये हवा जो चल रही है इधर से चल रही है तो क्यों चल रही है, इधर से आ रही है तो क्यों आ रही है, पत्ता जो हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है, पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, लाइट जल रही है तो कैसे चल रही है। उस सवाल को आप पूछें, किससे पूछेंगे, सबको उसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब कौन देगा, कौन हमारे टीचर देंगे। आपके टीचर को भी हो सकता है कि वो सवाल नया लगे, लेकिन वो अगली बार जब आपके सामने आएंगे तो उस सवाल को तैयार करके लाएंगे और आपको बताएंगे कि बल्ब जो है ये किस ताकत से जलता है, किस कारण से ये जलता है। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में शुरू कर देंगे, एक सवाल अपने भीतर पैदा कर लेंगे कि कुछ भी हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। एक सवाल होगी, एक जिज्ञासा होगी तो आप अपने आप सीखते चले जाएंगे और आप जो है निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। जिस तरीके से दो बच्चों ने जो है सफलता हासिल की है मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत आगे बढ़ें। वैसे ही आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी जीवन में करें पढ़ाई सबसे पहला काम है आपका, पढ़ाई जो है उसको मन लगा के करें, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पढ़ाई पे ही देना है। फिलहाल पढ़ाई के बाद में आपको और भी कोई फील्ड हो सकता है आपका, आप गाने में बजाने में या किसी खेल में आप जाना चाहते होंगे, फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान इतना देना है, शाहरुख खान को जानते होंगे, शाहरुख खान से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि साहब आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, तो शाहरुख खान ने कहा कि साहब मैंने कभी सोचा नहीं कि एक्टर होने के अलावा मैं क्या होता, बोले फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पत्रकार ने कहा कि मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नहीं होते, मान लीजिए एक्टर नहीं होते, हीरो नहीं होते, फिल्मों में काम नहीं करते तो आप क्या करते,
तो शाहरुख खान का जवाब था कि मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं कि मैं अगर एक्टर नहीं होता, हीरो नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मैं जो भी होता एक नंबर का होता। मैं चाहे नाई होता, मैं बाल काटता लोगों के, तो मैं ऐसी कटिंग बनाता कि सब लोग देखते रह जाते, मेरे पास दूर दूर से लोग आते। मैं अगर कचौरी वाला होता तो ऐसी कचौरी बनाता कि दूर दूर से लोग मेरी कचौरी खाने के लिए आ जाते। मैं चाय वाला होता तो ऐसी चाय बनाता। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि मुझे एक नंबर का होना है। आपको भी अपने जीवन में ये करना कि जो भी करें वो इतना अच्छा करें कि दूसरा, मतलब कोई उसके बराबर कर नहीं सके। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं अगर खिलाड़ी हूँ तो ऐसा खिलाड़ी हूँ कि मेरे बराबर कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं हो सके। ये आपको अपनी कोशिशों से करना है। और आप उम्र के इस पड़ाव में है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो। आपको सोचना है और उसके लिए कोशिश करनी है। वो कैसे होगा, उसके दरवाजे धीरे 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 एक एक करके खुलते जाएंगे, पर आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। आज आपकी जो उम्र है उस उम्र में आप जो चाहे वो बन सकते हैं। आपने सोच लिया मुझे IAS अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, SP बनना है, खिलाड़ी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आप चाहें वो आज आप बन सकते हैं। आज आप इस पड़ाव पर हैं। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई दोनों बच्चों को। आप सब व्यवस्था समिति के श्याम सुंदर शर्मा ने आभार जताया और विद्यालय की प्रगति से अवगत करवाया। इस दौरान अभिभावक अखिलेश बाटू, नरेंद्र बैदा व कमला बैदा सहित स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित थे। आपकी बातों को ये अपने जहन में जरूर उतारेंगे। और शॉर्ट में सर ने कहा है कि where there is a will, there is a way। अगर चाह है तो राह भी है ना चाहत कुछ करने की या नहीं है? सिर्फ बदमाशी करने की या पढ़ने की भी? सर इनके जहन में एक सवाल है, पढ़ाई किसने बनाई? उसका उस सवाल का जवाब ये हमेशा पूछते रहते, पढ़ाई किसने बनाई? पढ़ाई उसने बनाई जो आप सब लोगों का भला चाहता था, है ना? जो इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कुछ सीखेंगे और इस दुनिया को कुछ नया दे के जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे, अपने माँ बाप का, अपने जिले का, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। उस आदमी ने इस सोच के साथ पढ़ाई बनाई। अब बताओ करनी है कि नहीं करनी पढ़ाई? थैंक यू।